तो दोस्तों ये है हमारी सोल्डरिंग आयरन जो कि फूक चुकी थी। अब हम इसे 12 वोल्ट में कन्वर्ट कर देंगे। 12 वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमें सबसे पहले इसके ऊपर का नोजल हटा देना है, जिस पे हम कॉपर की वायर चढ़ा देंगे। इस पे हमें कॉपर लगा देना है, ये कॉपर। इस कॉपर को हमें इस पे अच्छे से लपेट देना है। प्लीज वीडियो को लाइक करें। हमें इस पे पूरे पे कॉपर लपेट देना है। ये देखिए हमने कॉपर लपेट दिया है इस पे पूरे में और वायर बाहर निकाल दी है। अब हमें इस ट्यूब में ये कॉपर डाल देना है। अब हमारा काम फिनिश हो गया है। अब हमें इसकी मेन वायरिंग करनी है। अब हमें इसमें सप्लाई की वायर जोड़ देंगे, जिससे हमारी सोल्डरिंग आयरन को सप्लाई मिलेगी चलने के लिए। आप इस कॉपर वायर को थोड़ा सा ऊपर से जला दें जब आप इस पे तार जोड़ने जाएं, क्योंकि इसके ऊपर कॉपर का वो रंग चढ़ा होता है जिससे पावर सप्लाई जाती नहीं है। अब हम इस पे टेप लगा देंगे जिससे शॉर्ट सर्किट ना हो। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। अभी हमारी सोल्डरिंग आयरन तैयार हो चुकी है। तो हम इसे चेक करके देखते हैं 12 वोल्ट की बैटरी से। तो इसे थोड़ा टाइम लगेगा गर्म होने के लिए, इसलिए हम इसको थोड़ी देर के लिए रख देते हैं। हमें थोड़ा वेट करना होगा इसे गर्म होने के लिए। तो अब ये गर्म हो गई है। देखिए ये काम कर रही है। तो हमारी सोल्डरिंग आयरन बन चुकी है 12 वोल्ट पे चलने वाली। प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबा दें, जिससे आपको आगे आने वाले हर नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। प्लीज सब्सक्राइब करें जेटेक चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।